दोस्तों, दहेज प्रथा सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही खतरनाक है ये दहेज प्रथा, जिसमें एक गरीब बाप को भी अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना होता है। लेकिन फिर भी लड़के वाले कभी भी दहेज के पैसों से या फिर दहेज में दिए गए सामानों से खुश नहीं होते। यहाँ तक कि शादी में आए हर एक व्यक्ति ये भी कहते हैं कि खाना तो अच्छा ही नहीं था, चाहे लड़की के पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत करके उस शादी के मंडप को खड़ा किया हो या फिर दहेज के पैसे को जुटाया हो। लेकिन दहेज के लोभी लोग आज भी न जाने कितनी लड़कियों की जान ले लेते हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, और न जाने कितने बूढ़े माँ बाप को आत्महत्या तक करवा देते हैं ये दहेज के पुजारी लोग। आखिर आज भी दहेज पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही, ऐसे कई सवाल हमारे जहन में आते हैं। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद हर लड़की के अंदर हिम्मत आएगी और वो भी अपने आगे आने वाले भविष्य में इन सभी चीजों का सामना कर सकेगी। हालांकि हमारी इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी सामाजिक मुद्दे को ठेस पहुंचाएं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आप भी दहेज विरोधी हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो से, जिसको सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। दरअसल होता कुछ यूं है कि अपनी नई नवेली दुल्हन प्रिया को शादी के दूसरे ही दिन दहेज में मिली नई चमचमाती गाड़ी से शाम को सूरज लॉन्ग ड्राइव पर ले निकला। गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था, प्रिया ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, अरे जाने मन, मजे लेने दो, आज तक दोस्तों की गाड़ी चलाई है, आज अपनी गाड़ी है, सालों की तमन्ना पूरी हुई, मैं तो खरीदने की सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए तुम्हारे डैड से मांग कर ली। अच्छा म्यूजिक तो कम रहने दो, आवाज कम करते हुए प्रिया बोली। तभी अचानक गाड़ी के आगे एक भिखारी आ गया, बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाते पूरी गाड़ी घुमाते सूरज ने बचाया, मगर तुरंत उसको गाली देकर बोला, अबे मरेगा क्या भिखारी साले, देश को बर्बाद करके रखा है तुम लोगों ने। तब तक प्रिया गाड़ी से निकलकर उस भिखारी तक पहुंची, देखा तो बेचारा अपाहिज था, उससे माफी मांगते हुए और पर्स से 100 रुपए निकालकर उसे देकर बोली, माफ करना काका, वो हम बातों में कहीं चोट तो नहीं आई, ये लीजिए हमारी शादी हुई है, मिठाई खाइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा, कहकर उसे साइड में फुटपाथ पर ले जाकर बिठा दिया। भिखारी दुआएं देने लगा। गाड़ी में वापस बैठी प्रिया से सूरज बोला, तुम जैसों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती है, भिखारी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, सूरज भिखारी तो मजबूर था, इसीलिए भीख मांग रहा था, वरना सब कुछ सही होते हुए भी लोग भीख मांगते हैं दहेज लेकर, जानते हो खून पसीना मिला होता है गरीब लड़की के माँ बाप का इस दहेज में, और लोग, तुमने भी तो पापा से गाड़ी मांगी थी, तो कौन भिखारी हुआ, वो मजबूर, अपाहिज या एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को 20 सालों तक संभाल कर रखता है, दूसरे को दान करता है, जिसे कन्यादान महादान तक कहा जाता है, ताकि दूसरे का परिवार चल सके, उसका वंश पड़े और किसी की नई गृहस्थी शुरू हो, उस पर दहेज मांगना भीख नहीं तो क्या है, बोलो कौन हुआ भिखारी, वो मजबूर या तुम जैसे दूल्हे। सूरज एकदम खामोशी से नीची नजरें किए शर्मिंदगी से सब सुनता रहा, क्योंकि प्रिया की बातों से पड़े तमाचे ने उसे बता दिया था कि कौन है सचमुच का भिखारी। तो दोस्तों, दहेज लेने वाला भिखारी के बराबर ही होता है, वो प्रिया की बात अच्छी तरीके से समझ गया था कि दहेज मांगने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा भिखारी है, जो अपनी औकात से बढ़कर लड़की वालों से मांग करता है और उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस कराता है। इस वजह से सूरज वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी वाक्यों से दहेज प्रथा बंद हो जाएगी, क्या दहेज मांगना लोग बंद कर देंगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब आप इन जनाब को देखिए, जो इतने ज्यादा बेशरम हैं कि इन्हें शादी के बाद लड़की न ले जाने की वजह से चप्पलों से मार खानी पड़ गई। दरअसल ये दूल्हा अपनी मनपसंद बाइक चाहता था, जब इसकी शादी हो गई तो इसने अपनी मनपसंद बाइक की डिमांड कर दी और यहाँ तक कहा कि दुल्हन को नहीं ले जाएगा। ऐसे में दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे और उसके भाई को गंजा करके चप्पलों का हार बनाकर बंदी बना लिया। ऐसे में विपक्ष यानी कि लड़की वालों ने लड़कों वालों से शादी में खर्च हुए पैसों की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि शादी में जितने भी पैसे खर्च हुए हैं, अगर वो लड़की वाले पूरा करते हैं तो वो उनकी मनपसंद बाइक उन्हें दिला देंगे। ऐसे में जब दूल्हे के घर वालों ने शादी के सारे खर्चे और पैसे वापस लौटाए, तब जाकर विपक्ष ने दोनों को वहाँ से जाने दिया। नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, बारात कहाँ से लाए थे? धौलपुरवा से। क्या डिमांड थी तुम्हारी यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं था, ये पहले महार बांधगा महार। अब आप इन लालची लोगों को भी देखिए, जो बड़े ही धूमधाम के साथ शादी करने शिवांगी के घर पहुँचते हैं,
जहां दूल्हा विनीत फेरे के साथ ही लड़की वालों से ये सवाल करता है कि आखिर दुल्हन जो सूटकेस में सामान ले जा रही है क्या उसमें दहेज में दिए गई रकम है या नहीं, बल्कि इन्हें पहले भी रकम दे दी जाती है जितना ये लोग दहेज में मांगते हैं। इसके अलावा आधे फेरे के बाद ये लोग और दहेज की मांग करते हैं। ऐसे में दुल्हन इन लोगों के साथ जाने से मना कर देती है। कहती है कि जब ये लालची लोग आधी शादी में इतने ज्यादा पैसे मांग सकते हैं तो इनके घर जाने पर ये इन्हें कितना परेशान करेंगे। ऐसे में दूल्हे पर केस भी किया गया, लेकिन जब पुलिस आई और दूल्हे से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो दूल्हे का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ये चेक करने के लिए सूटकेस खोलने को बोला था कि सामान सही सलामत ले जाया जा रहा है या कुछ ज्यादा हो गया है, और इसी बात विवाद के चक्कर में शादी कैंसिल हो जाती है। और लड़की बड़े ही गर्व के साथ ये कहती है कि वो एक लालची इंसान के घर जाने से बच गई है। शादी विवाह में तो छेड़खानी आम बात हो गई है, जहां लड़के की जीजा उनकी सालियों के साथ खूब हंसी मजाक करते हैं, लेकिन वहीं दूल्हे की जीजा का ये मजाक कितना महंगा पड़ गया कि बेचारा दूल्हा घर जाने की बजाय हवालात पहुंच गया। इतना ही नहीं, बारात में आई जीजा ने जब लड़की पक्ष में महिलाओं के साथ छेड़खानी की तो जीजा की धुनाई हुई। बेचारा तो चलने फिरने की हालत में भी नहीं था। और तो और, ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूल्हे की पक्ष की तरफ से पथराव भी होने लगे थे। और ये सब देखते हुए दूल्हे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने शादी से पहले लड़की वालों से एक बाइक और 1,00,000 रुपए की डिमांड कर दी। अगर वो उसे पूरा नहीं करते तो वो लड़की से शादी नहीं करता और बारात लेकर वापस भी लौट जाता। ऐसे में नाज़मी नाम की इस दुल्हन ने भरी पंचायत में उस दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया और उन्होंने सभी बारातियों को वापस लौटा दिया और दूल्हे और दूल्हे के जीजा को अच्छे से हवालात की हवा भी खिला दी। ये आप सभी जानते हैं कि दहेज एक ऐसा शाप है कि वो किसी भी गरीब इंसान के घर में लग जाए तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और ऐसा ही प्रतापगढ़ के एक छोटे से गाँव में हुआ, जहाँ दहेज के लालची लोगों को दुल्हन ने अच्छे से सबक सिखाया। दरअसल रवि नाम का ये दूल्हा जब शादी करने पहुंचता है तो वो बेहद ही धूमधाम से लड़की के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो लड़की शादी करने के लिए मंडप में पहुंचती है, उसी समय वो लड़की वालों से सोने की चेन और अंगूठी की डिमांड कर देता है। लेकिन लड़की वालों ने पहले भी इन सभी डिमांड को पूरा किया होता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा होता है। ऐसे में जब लड़की को ये बात पता चलती है तो वो निकलकर मंडप तक पहुंचती है और लड़के और बाराती को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि उसे इस लालची परिवार में शादी नहीं करनी और वो अपनी बारात और दूल्हे को लेकर वापस लौट जाए। ऐसे में लड़की वाले काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने लड़के और लड़के के परिवार वालों को बंदी बनाकर बारात में आए सभी कारों को पंक्चर कर पुलिस वालों को बुलाया और सभी को गिरफ्तार करवा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम अपडेट्स लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।